अपने पसंद किस्मत अपनी चमकी चमकी किस्मत अपनी तुम हो मधुमक्खी और हम हैं मधुवासन अपने पसंद किस्मत अपनी चमकी चमकी किस्मत अपनी किस्मत अपनी चमकी। दोस्तों सुनो डियाना, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। डियाना आराम से बताओ क्या हुआ। डियाना क्या हुआ, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था, किसी ने चोट पहुंचाई? नहीं दोस्तों, वहाँ स्कूल यार्ड में एक भूत है। डियाना कैसा भूत? ऐसी कहानियों पे कोई विश्वास नहीं करेगा डियाना, भूत जैसा कुछ नहीं होता। चलो दोस्तों वापस अपना गीत गाते हैं। तुम हो मधुमक्खी। दोस्तों क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, वहाँ सच में एक भूत है और वो भी एक लड़की का, और मुझे लगता है वो लड़की शायद इसी स्कूल में पढ़ती थी। मधुमक्खी। डियाना एक पल के लिए मान लेते हैं कि वहाँ भूत है, तो क्या वहाँ जाकर उस भूत को हम भगाएं? ठीक है डियाना, तुम चाहती हो कि उस भूत को हम भगाएं, तो क्या ऐसे मुक्का मार के भगाएंगे? लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मारेंगे कैसे? हाँ डियाना, भूतों का शरीर नहीं होता, अगर मैं ऐसे मारूंगी तो वो तो आर पार हो जाएगा। दोस्तों तुम मारने के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या मैंने मारने के लिए कहा? नहीं, शायद उस लड़की भूत को हमारी मदद की जरूरत है। डियाना मैं समझती हूँ, लेकिन एक भूत की मदद हम लोग कैसे कर सकते हैं? डियाना इस भूत की मदद कोई नहीं कर सकता। दोस्तों चलो चलकर उस भूत को एक नज़र देखे तो सही, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। हाँ चलो, अगर तुम लोग साथ रहोगे तो मुझे भी डर नहीं लगेगा। मैं डर गई थी क्योंकि मैं अकेली थी। चलो मैं बताती हूँ। हाँ चलो चलते हैं। दोस्तों मुझे लगता है वहाँ कोई भूत नहीं है, डियाना को भ्रम हो गया है। हाँ चलो देखते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी चलो। हाँ जरूर, हम आ रहे हैं। वैसे डियाना भूत कहाँ है? दोस्तों देखो वो रही। अरे रुको सुनो, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ कर क्या रही है, वो वहाँ क्यों बैठी है। हाँ दोस्तों मैं जानती हूँ कि वो हमारे स्कूल की सीमा में है, लेकिन वो यहाँ किसी कारण से है। हमें वहाँ उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्यों आई है, उसे क्या चाहिए। लेकिन हम पूछेंगे क्या, और पूछने जाएगा कौन? डियाना तुम ही थी जिसने भूत को पहले देखा था, तो तुम आगे जाओ, हम पीछे आएंगे। हाँ डियाना तुम जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करते हैं, कुछ होगा तो हम तुम्हें बचा लेंगे। दोस्तों तुम्हारा मतलब क्या है, तुम पीछे क्यों आओगे? मैं अकेली नहीं जाने वाली, तुम भी मेरे साथ आओ। दोस्तों क्या हमें जाना चाहिए, वो हमारी दोस्त है। नेट वो हमारी दोस्त है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अब चलो भी दोस्तों, इसमें डरने वाली क्या बात है। ठीक है चलो चलो दोस्तों, लेकिन थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल भी आवाज मत करना, नहीं तो वो डर जाएगी। हाँ चलो। दोस्तों तुमने देखा वो मुझे कैसे देख रही है, मुझे डर लग रहा नहीं है। आ रही हूँ और मैं भी नहीं जाने वाली। दोस्तों शांत हो जाओ, इससे क्या मतलब कि तुम नहीं आने वाले? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि हमें वहाँ जाकर उससे पूछना है कि तुम्हें चाहिए क्या, तभी तो वो यहाँ से जाएगी, नहीं तो हम शिकार बन जाएंगे। दोस्तों शांत हो जाओ, हम उससे बिल्कुल नहीं डरते, हमें उससे पूछना है कि वो यहाँ कर क्या रही है। डियाना चलो पूछते हैं। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है जूली। जरूरत नहीं है नेट। हेलो भूतनी जी, मेरा नाम डियाना है। और मेरा जूली। और मैं नेटीगी। भूतनी जी तुम्हें चले जाना चाहिए, हमें स्कूल में जाकर पानी पीना है। 100 साल पहले मैं यहाँ पढ़ाई करती थी, सभी ने मुझे धुतकार दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो तुमने देखा, मैंने कहा था ना वो यहाँ किसी वजह से है, स्कूल में उसे अपमानित किया गया था। दोस्तों मैंने सुना उसे 100 साल पहले धुतकार दिया गया था। अब उनके क्लासमेट्स को तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो गए। और हाँ मुझे चॉकलेट्स और मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कोई नहीं देता। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, उसने कभी मिठाई नहीं खाई। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। एक काम करो दोस्तों, कोई जाओ और उसके लिए मिठाई लेकर आओ। लड़कों को कहो मिठाई लेकर आए। हाँ ठीक है, तो फिर लड़कों को बुलाते हैं। मैं अभी फोन लगाती हूं। जूली जल्दी लगाओ। एक मिनट दोस्तों, मेरा अभी फोन कौन बज हो रहा सकता है? जूली केव फोन मत उठाना। हाँ केव फोन मत उठाना, इस बार भी उन्हें कोई मदद चाहिए होगी। हाँ जूली जल्दी बोलो, आज हम थोड़े व्यस्त हैं। लो हो गया ना सत्यानाश। जूली कैसी मिठाई, कैसी चॉकलेट, हम कुछ भी नहीं खरीदने वाले। ये लो चॉकलेट खरीदो, मिठाई खरीदो। ठीक है जूली, ये आखिरी बार, लेकिन मिठाई के पैसे तुम्हें मुझे देने होंगे। ये लो हो गई हमारी बात। चलो दोस्तों दुकान पर चलते हैं, बाद में हमें उस पर हंसने का मौका भी मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो चलो। हाँ हाँ चलो फिर। चलो दोस्तों। और हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था दीमा।
मुझे छोड़ो। अरे 100 साल पहले भी वो डिमांड में था। अब ये क्या है? भूतनी जी, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है दीमा, मैं उसे आपके साथ साझा कर सकती हूँ। वो एक भूतनी है। अरे क्या बात कर रही हो? सच में तुम दीमा साझा कर सकती हो? और हाँ, मेरे पास आईफोन भी नहीं है। एक मिनट रुको दोस्तों, मैंने सही सुना? आईफोन? उसे इसके बारे में कैसे पता? वो तो 100 साल पहले जिंदा थी, उसे आईफोन के बारे में कैसे पता है? शायद उसने कहीं देखा हो। दोस्तों, ये भूतनी जरूरत से ज्यादा ही मांग रही है। पहले चॉकलेट कहा, फिर दीमा कहा, और अब आईफोन। दोस्तों, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक बात सुन लो भूतनी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ से चली जाओ और हमें छूने की कोशिश भी मत करना। बड़ी आई आईफोन वाली, मेरे पास तो है नहीं, और इसे दे दूँ? दोस्तों, हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा लग रहा नहीं, है। नहीं दोस्तों, तुम गलत सोच रहे हो। अगर हम उसे ये सब नहीं देंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। क्या तुम चाहते हो कि वो हमारे पीछे लग जाए? मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, क्या तुमने लड़कों को बुलाया? वो लोग मिठाई लेने गए हैं और फिर यहाँ आएंगे। लड़को जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लड़को जल्दी आ जाओ। देखो, जल्दी भागो दोस्तों। हाँ, जल्दी जल्दी। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मिठाई, आईफोन और दीमा नहीं मिलता। नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें डराती रहूंगी। अरे लड़के कहाँ है? तुम मेरा आईफोन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आटम, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा नहीं, है? मुझे कुछ भी नहीं दिखा। कुछ गड़बड़ तो नहीं? लायला कहाँ है? शायद टीचर ने उसे भगा दिया होगा। अब क्या करें? चिंता मत करो, लायला को कोई नहीं पहचानेगा, मैंने खुद उसका मेकअप किया है। आशा है सब ठीक हो जाएगा। ओहो, और हमें बहुत सी मिठाइयाँ मिलेगी। डियाना का आईफोन मेरा हो जाएगा और दीमा मेरा हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा इंतजार करो। क्यों, लेकिन वो सीढ़ियों पे क्यों खड़े हैं? अरे नीचे आओ और अपनी चॉकलेट ले जाओ। दोस्तों जल्दी देखो, उनके साथ कितनी सुंदर लड़की खड़ी है। तुमने उसकी काली आंखों को देखा? लेकिन वहाँ चल क्या रहा है, वो चिल्ला क्यों रहे हैं? हमें उससे क्या, जल्दी अपनी चॉकलेट ले लो, हम जल्दी में है, हमें कहीं जाना है। हमें चॉकलेट और दीमा दोनों चाहिए। दीमा तुमने सुना, जाओ चॉकलेट लेकर जाओ। लेकिन केयो, मैं क्यों? दीमा, हमारे पास समय नहीं है, चॉकलेट लो और जल्दी जाओ। ठीक है। दीमा जल्दी, दीमा जल्दी। अरे वाह, कितनी समझदार लड़कियां हैं। ये लो लड़कियों, अपनी चॉकलेट लो और मुझे जाने दो। हमारे साथ रहो, आओ आओ यहाँ जाओ और हमारी। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ, वो तो अजीब लग रही है। अरे हमारा यकीन करो, वो बहुत अच्छी है जीमा। जाओ जाओ, जाओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हाय हाय, छूने वाला है। चॉकलेट अपने हाथ में पकड़े रखो और मेरे साथ चलो। दोस्तों ये सब क्या है, मैं इसके साथ नहीं जाने वाला। दीमा तुम आओगे। लेकिन इसे मुझसे चाहिए क्या? दीमा माफ करना, एक भूतनी है और उसका 100 साल पहले दीमा नाम का बॉयफ्रेंड था, अब वो नहीं रहा और उसे नया चाहिए, इसलिए तुम्हें ले जा रही है। नहीं, मुझे उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना दोस्तों। अब तो अंधेरा होने वाला है, अगर लायला 10 मिनट में नहीं आती तो उसे ढूंढने चलेंगे। चलो मेरे साथ चलो दीमा। लेकिन मेरी चॉकलेट, मेरा आईफोन कहाँ है? मेरा दीमा तो आ गया। क्या? याना और उसकी गैंग? दीमा तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये लो अपनी चॉकलेट और मुझे जाने दो। दीमा, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? लायला बहुत बढ़िया। लायला, क्या वो मान गए कि तुम भूत हो? तुमने देखा, वो आईफोन, चॉकलेट और दीमा को भी ले आई। याना, ये तुम्हारे लिए। आखिरकार आईफोन आ गया। दोस्तों मुझे बचाओ इन लोगों से। लड़कियों जल्दी करो, वो देखो जल्दी। वहाँ है। ये लोग कहाँ से आ गए? तो मुझे इन लोगों से बचाओ। ऑटम, याना, मरूसिया और वो लायला है। दोस्तों तैयार हो जाओ। तुमने हमसे झूठ बोला? ये लो तुम्हारा आईफोन। मुझे दीमा नहीं चाहिए, वैसे भी आज मेरा उपवास है। और मैं क्या करूँ? गैंग अप, डोंट गाइस।